नमस्कार स्वाति, ओम महाराणा प्रताप। एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के अंदर अपने सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन, और क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर अपने सबसे पहले ले रहे हैं सीरियल क्रॉप्स, और सीरियल क्रॉप्स का आज इंट्रोडक्शन क्लास है। अपन बात करते हैं सबसे पहले सीरियल क्रॉप्स। ये आपको याद रखना, सीरियल क्रॉप्स, इसके अपन को एक इंट्रोडक्शन क्लास है सीरियल क्रॉप्स की, तो आपको याद रहना है सीरियल क्रॉप्स की क्या है, सीरियल क्रॉप्स की इंट्रोडक्शन क्लास है। देखो, सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि सीरियल क्रॉप्स होती कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ कि अनाज वाली फसलें, कौन सी फसलें बेटा, अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलें, या अपने इसको बोल सकते हैं खाद्यान्न फसलें। कौन सी फसलें बेटा, खाद्यान्न, खाद्यान्न फसलें, या अपन को इंग्लिश में बोलना है तो सीरियल क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स। सबसे पहले बात करें सीरियल क्रॉप्स के अंदर बात कर रहे हैं, तो अपने सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर खाद्यान्न फसलें कौन सी, फिर सीरियल क्रॉप्स, जानकारी अपन इस क्लास के अंदर इकट्ठा करने वाले हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी अपन इस प्रकार से है। सबसे पहले तो अपन को यह पता होना चाहिए कि सीरियल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा में हुई, कौन सी भाषा से लिया गया, कौन से शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे सीरियल, देखिए सीरियल, सीरियल शब्द की उत्पत्ति, सीरियल शब्द की उत्पत्ति रोमन, रोमन भाषा के, रोमन भाषा से हुई है, हुई है। सीरियल, सीरियस शब्द, शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा, अनाजों की देवी, जिसका अर्थ अनाजों की, अनाजों की देवी, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए अपन बात करें सबसे पहले कि सीरियल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा में हुई, तो रोमन भाषा में हुई है। किस भाषा में हुई बेटा, रोमन भाषा का शब्द है, रोमन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया, सीरस शब्द से लिया गया, और जिसका अर्थ क्या होता है, अनाजों की देवी, किस, जिसका अर्थ क्या होता है, अनाजों की देवी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछ लें सीरियल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा में हुई, तो रोमन भाषा में हुई। कौन सी भाषा में हुई बेटा, रोमन भाषा में, और किस शब्द से लिया गया, सीरियस से, जिसका अर्थ क्या होता है, अनाजों की देवी, ये अपन को पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, देखिए सबसे पहले बात करेंगे खाद्यान्न, खाद्यान्न फसलों का, खाद्यान्न फसलों का राजा, खाद्यान्न फसलों का राजा किसको कहते हैं, या अपन बोल सकते हैं अनाज वाली फसलों का राजा किसको कहा जाता है, तो अपन को पता होना चाहिए किसको कहा जाता है बेटा, गेहूं, खाद्यान्न फसलों का राजा गेहूं को कहा जाता है। दूसरी बात करें खाद्यान्न, खाद्यान्न फसलों की, खाद्यान्न फसलों की रानी, खाद्यान्न फसलों की रानी किसको कहते हैं, तो अपन को पता होना चाहिए खाद्यान्न फसलों की रानी कहते हैं किसको, मक्का को, किसको कहते हैं बेटा, मक्का को, ये अपन को थोड़ी बेसिक जानकारी है। दूसरी बात करें कि मोटे अनाजों का, मोटे अनाजों का, मोटे अनाजों का राजा वो किसको कहा जाता है, तो वो मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है बेटा ज्वार को, किसको, ज्वार को, या सोरगम को कहा जाता है। और एक और पॉइंट अपन को याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष, मोटे अनाज वर्ष, या अपने इसको लिख सकते हैं लेट ईयर,
वर्ष पूछ ले तो कौन सा है, तो ये भी पता होना चाहिए बेटा, ये कौन सा है, 2023, 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ लेट्स के लिए घोषित हुआ है, और 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित कर दिया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल, ये भी आप लोगों को याद रख लेना, आपके एग्जाम में पूछ। आगे बात करते हैं, सबसे पहले जो बेसिक जानकारी थी अपन ने बताई, खाद्यान्न फसलों का राजा वो कौन है, तो खाद्यान्न फसलों का राजा है बेटा क्या, गेहूं, बीट है। दूसरी बात करें खाद्यान्न फसलों की रानी कौन है, वो है मक्का, और मोटे अनाजों का जो राजा है वो कौन है, ज्वार। जब अपने इसके बारे में एक एक फसलें पढ़ेंगे उस टाइम पे इनके अन्य नाम और लिखवा देंगे, और अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष पूछे, मिलेट वर्ष पूछे वो कौन सा है, 2023। तो 2024 को घोषित किया गया ऊँटों के लिए, किसके लिए घोषित किया गया, ऊँटों के लिए घोषित किया गया, ये बात अपन ने समझ में आई है। अब आगे बात करते हैं बेटा, देखिए अपन को सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि देखो सभी सभी खाद्यान्न फसलों का कुल, जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं उनका कुल कौन सा आता है, तो अपन को याद रखना पोएसी, कौन सा आता है बेटा, पोएसी। ओएसी का दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं कौन सा आता है, ग्रेमनी। ग्रेमनी का दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं घास परिवार, कौन सा, घास परिवार भी बोल सकते हैं, ये भी अपन को पता होना चाहिए। देखो जितने भी खाद्यान्न फसलें हैं उनका परिवार कौन सा है, तो अपन को पता होना चाहिए पोएसी या ग्रेमनी या घास परिवार, अपन को ये भी याद रहना चाहिए। देखिए सभी खाद्यान्न फसलों का फल प्रकार, फल का जो प्रकार पूछे या दाने का प्रकार पूछे तो कौन सा आता है, तो अपन को याद रखना जितनी भी खाने योग्य वाली है उसको अपन बोलते हैं कैरियोप्सिस, क्या बोलते हैं बेटा इनका फल प्रकार पूछे तो कैरियोप्सिस, कौन सा है बेटा, कैरियोप्सिस, ये भी अपन को याद रखना है। और दूसरी बात करें सभी खाद्यान्न फसलें, सभी खाद्यान्न फसलों का अंकुरण प्रकार पूछ लें या जर्मिनेशन टाइप पूछ लें, तो वो अंकुरण प्रकार कौन सा है, तो आपको याद रखना हाइपोजियल, कौन सा है बेटा, हाइपोजियल है, हाइपोजियल, ये अपन को याद रहना चाहिए, हाइपोजियल या अधोभूमिक, जितनी भी अपनी खाद्यान्न फसलें हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। और एक लिखना है एक और पॉइंट, सभी खाद्यान्न फसलों का तना, उसको अपन कह सकते हैं बेटा, आप बोल सकते हो कलम, कलम भी कहा जाता है, कलम कहा जाता है, ये याद रखना। देखिए जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं उसका कुल पूछे तो कौन सा है, तो अपन को पहले तो ये पता होना चाहिए पोएसी होता है, कौन सा होता है, पोएसी। दूसरा अपन बोल सकते हैं ग्रेमनी, और तीसरी बोल सकते हैं अपन घास परिवार। तो अपन को याद रखना है कि सबसे पहले जितनी भी खाने योग्य जो फसल होती है उसका कुल पूछे, खाद्यान्न फसलों का कुल पूछे तो वो कौन सा होता है, ग्रेमनी या पोएसी या घास परिवार, और इनके जो फल प्रकार पूछ ले तो कौन सा होता है, तो वो याद रखना कैरियोप्सिस होता है, कौन सा होता है बेटा, कैरियोप्सिस, कौन सा होता है, कैरियोप्सिस। और इनका जर्मिनेशन टाइप पूछ ले यानी अंकुरण प्रकार कौन सा होता है, तो अंकुरण का प्रकार होता है हाइपोजियल, कौन सा होता है बेटा, हाइपोजियल, और हाइपोजियल को क्या कहते हैं, अधोभूमिक, क्या कहते हैं बेटा, अधोभूमिक। आपसे पूछ ले कि सभी खाद्यान्न फसल के जो तना होता है उसको क्या कहते हैं, कलम कहते हैं, या आपको याद रखना चाहिए। अब बात करेंगे आगे, देखिए इस पर आप नोट करते रहना साथ के साथ, अपने को याद भी होते रहेंगे। देखो अपन को याद रखना सभी खाद्यान्न फसलों में
पुंकेसरों की संख्या, पुंकेसरों, पुंकेसरों की संख्या, सभी खाद्यान्न फसलों में जो पुंकेसरों की संख्या है वो कितनी होती है? तो अपन को याद रखना 3 होती है, पर एक अपवाद है, उस अपवाद को अपन को याद रखना। अपवाद कौन है? तो अपवाद में लिखना दान। दान में जो पुंकेसर की जो संख्या है वो कितनी है बेटा? 6 है, ये अपन को पता होनी चाहिए। कितनी है? तो दान के अंदर जो पुंकेसरों की संख्या कितनी है बेटा? 6 है। यह भी क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन एग्जामों के अंदर पूछ लेता है कि पुंकेसरों की संख्या सभी खाद्यान्न फसलों के अंदर, जैसे गेहूँ पूछ ले, जो पूछ ले, आपसे मक्का पूछ ले, तो इनके अंदर सभी के अंदर कितनी आती है? 3 आती है, ये अपन को याद रखना। दूसरी बात करें, अपन बात करेंगे, अब देखो सेकेंडरी बात करते हैं कि सभी खाद्यान्न फसलों में, लिखो सभी खाद्यान्न फसलों का एनपीके अनुपात क्या अनुपात होगा? तो बेटा इसका जो अनुपात रेशो है वो क्या है? 4:2:1, ये अपन को पता होना चाहिए। 4:2:1 अपन को ये पता होना चाहिए कि 4:2:1 इसका जो प्राथमिक न्यूट्रेंट्स हैं, प्राथमिक पोषक तत्व है, उसका अनुपात रेशो है, ये अपन को याद रखना है। इसके बाद में अपन बात करें आगे, सभी खाद्यान्न फसलों में लाइसिन, याद रखना लाइसिन अमीनो अम्लों की कमी पाई जाती है, याद रखना। पर एक अपवाद और है, वो भी बात कर लेते हैं अपन कि सर अपवाद के बारे में आप बता दीजिए, तो मैं बता देता हूँ। अपवाद के अंदर देखिए, जो सामान्य मक्का होती है उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी होती है, पर HQPM के अंदर क्या होती है? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की क्या होती है? अधिकता होती है। देखिए सामान्य मक्का में, लाइसिन और याद रखना ट्रिप्टोफैन अम्लों की कमी तथा HQPM हाई क्वालिटी प्रोटीन मैच, HQPM मक्का में लाइसिन व ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्लों की अधिकता पाई जाती है अधिकता पाई जाती है जिसके कारण मनुष्य में इसका सेवन करने पर या गंजापन
रोग उत्पन्न होता है। ये भी अपन को याद रहना चाहिए। देखो सबसे पहले तो HQPM हाई क्वालिटी प्रोटीन है, वो बनाई किसने, वो अपन मक्का की खेती के बारे में पढ़ेंगे ना, जब बात करेंगे उसके बारे में। अपन सबसे पहले तो इसके देखो कि खाद्यान्न फसलों के अंदर आपसे पूछ ले किस एमिनो एसिड की कमी होती है, तो किसकी होती है बेटा, लाइसिन एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है। अपन को याद रखना सामान्य मक्का के अंदर लाइसिन एमिनो एसिड की तो कमी होती है, लेकिन जो HQPM है हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज है उसके अंदर लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की क्या होती है, अधिकता होती है, जिसके कारण मनुष्य के अंदर लेग्रा या गंजापन रोग उत्पन्न होता है। यह ध्यान रखना आपने, योग्य क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ ले तो ये अपन को पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये चीजें आनी चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यहां से अपने एक इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में बात कर रहे हैं पूरी पूरी, देखिए आगे बात करते हैं। अब आपसे पूछ ले कि देखो अपन आगे बात करते हैं, खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक प्रोटीन, सर्वाधिक है, सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी फसल के अंदर पाई जाती है, तो अपन को याद रखना सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है, आपको बता देता हूं कि गेहूं और दूसरे नंबर पे है बाजरा। अब गेहूं के अंदर जो प्रोटीन होती है वो 11-13% और इसमें बाजरे में प्रोटीन होती है 11-12%। आप कई अपने NCERT की बात करें तो गेहूं आ जाता है, कई बाजरा बताते हैं, अपन को दोनों पे ध्यान देना है। और आपसे पूछे कि खाद्यान्न फसलों में सबसे कम प्रोटीन, खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसलों में सबसे कम प्रोटीन, सबसे कम, सबसे कम प्रोटीन किस में होती है, तो सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है धान के अंदर। कितनी प्रतिशत सर, 6-7% इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, 6-7%। और अपन को एक चीज और याद रखना है कि धान पढ़ रहे हैं, धान के अंदर अगर दिख गया तो सबसे ज्यादा अपन को याद रखना है कि 1 किलो चावल पैदा करने के लिए कितना लीटर पानी की आवश्यकता होती है, 5000 लीटर पानी से 1 किलो राइस पैदा होगा। और आपसे पूछ ले कि इसकी वाटर यूज इफिशिएंसी सबसे कम इसी की है, जल उपयोग दक्षता पूछे सबसे कम किसकी है, तो वो धान की है। अब ये अपन बात कर लेते हैं कि खाद्यान्न फसलों में सबसे कम, लिखिए खाद्यान्न फसलों में सबसे कम जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता, यह अपने इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाटर यूज इफिशिएंसी। अपन जब इसके बारे में पढ़ेंगे इरिगेशन में वहां पे बात करेंगे, पर आपसे पूछ ले तो यहां याद रखना कि कितनी होती है, तो ये होती है धान की होती है वाटर यूज इफिशिएंसी सबसे कम। अपन ने लिखा खाद्यान्न फसलों में सबसे कम जल उपयोग दक्षता धान की होती है, और कितनी होती है, 3.7 kg पर हेक्टेयर। जब अपने वाटर यूज इफिशिएंसी मापते हैं तो मिलीमीटर के अंदर मापते हैं, तो किस में मापेंगे बेटा, मिलीमीटर, ये इतनी होती है, अपन को याद रहना चाहिए। सबसे ज्यादा वाटर यूज इफिशिएंसी पूछे तो रागी की होती है, फिंगर मिलेट की होती है, 13.7 के आसपास, 13.7 kg पर हेक्टेयर मिलीमीटर, ये भी अपन को याद रहना चाहिए। देखिए अब थोड़ी सी अपन बात करते हैं कि अपन से पूछे कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन कंटेंट है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है गेहूं के अंदर,
और सेकंड ऑप्शन आ जाता है तो बाजरे के अंदर, ये अपन को पता होना चाहिए। सबसे कम जो प्रोटीन है खाद्यान्न फसलों के अंदर वो किस में पाई जाती है, तो वो धान के अंदर पाई जाती है कितनी, तो याद रखना 6-7% पाई जाती है। कितनी, 6-7%। अपन पूछ ले कि खाद्यान्न फसलों में सबसे कम है वाटर यूज इफिशियंसी, या आप बोल सकते हो इसको जल उपयोग दक्षता सबसे कम किसकी होती है, तो वो धान की होती है। और धान में भी कितनी है, 3.7 kg प्रति हेक्टेयर मिलीमीटर, ये भी पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं बेटा, देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे कि खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक है, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक है वसा, ऐस करके लिखना वसा, फास्फोरस, खनिज लवण, ये पाए जाते हैं किसके अंदर बेटा, बाजरे के अंदर। खनिज लवण सबसे ज्यादा, अब खनिज लवण तो पाया जाता है बेटा 2.7% और वसा पाई जाती है 5%, ये भी याद रखना। और ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं किसके अंदर, बाजरे में। किसमें पाए जाते हैं, बाजरे के अंदर। आज से पूछ लेंगे सबसे ज्यादा खनिज लवण खाद्यान्न फसलों में किसमें पाए जाते हैं, बाजरे में। और आज से पूछ लेंगे सबसे ज्यादा वसा की जो मात्रा है खाद्यान्न फसलों में सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, तो फिर भी बाजरे में। और फास्फोरस की मात्रा भी सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, बाजरे के अंदर। आगे बात करते हैं बेटा, देखिए आज से पूछ ले खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक है, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक है तेल की मात्रा, तेल की मात्रा सबसे ज्यादा कौन सी फसल के अंदर पाई जाती है, तो मक्का में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है बेटा, मक्का में। और कितनी परसेंट पाई जाती है, 4% के आसपास। कितनी, 4% के आसपास। कई ऑथर लिखते हैं 5%, अपन को याद रखना 4%, ये भी पता होना चाहिए। अपन बात करें आगे, देखो प्रोटीन की बात की, जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है उसके बारे में अपन ने पढ़ा है। करो प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें, गेहूं के अंदर, सेकंड नंबर पे बाजरा। सबसे ज्यादा वसा किसमें पाई जाती है, तो बाजरे के अंदर। और खनिज लवण भी बाजरे के अंदर। और आपसे पूछे कि फास्फोरस हो गया, इसके अलावा विटामिन हो गई, वसा हो गई सॉरी, और इसके अलावा अपन को खनिज लवण, ये सब के सब बाजरे के अंदर पाए जाते हैं, ये अपन को पता होना चाहिए। आपसे पूछे कि खाद्यान्न फसलों में सबसे पहले जो पूछे कि सर्वाधिक तेल की मात्रा तो पाई जाती है किसके अंदर, मक्का के अंदर। कई जगह 5, कई बार 4, तो ये अपन को याद रखना है। इसके बाद में लिखो खाद्यान्न फसलों में, लिखो खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसलों में सर्वप्रथम, खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसलों में प्रथम संकर किस्म, प्रथम संकर केस में यानी फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी कौन सी थी, तो अपन को याद रखना किसकी निकाली गई, खाद्यान्न फसलों में प्रथम संकर केस में या हाइब्रिड वेराइटी कौन सी थी, तो वो गंगावन थी। और गंगावन किसकी किस्म है, तो आपको याद रखना गंगावन। और ये मक्का की किस्म है, और ये कब निकाली गई, 1961 के अंदर निकाली गई। फिर सेकेंड कौन सी थी, तो अपन को याद रखना ज्वार की किस्म थी, और ज्वार की कौन सी थी, CHS1। और ये भी कब निकाली गई, 1964 के अंदर। आप अगर क्रम पूछ ले एग्जाम के अंदर तो आप याद रखना ये भी। इसके बाद में आपसे पूछ ले बाजरे की किस्म कौन सी थी, तो आपने याद रखना HB1। HB1 किसकी किस्म है, बाजरे की किस्म है। और ये कब निकाली गई, ये 1965 के अंदर निकाली गई थी। तो अपन से अगर क्रम पूछता है तो अपन लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखना। सबसे पहले मक्का की, फिर उसके बाद में ज्वार की, ज्वार के बाद में बाजरे की किस्म, ये अपन ने पढ़ा है। अपन बात करेंगे आगे, अब बात यहां पे अपन करते हैं कि दो तरह से खाद्यान्न फसलों के अंदर अपन बात कर रहे हैं,
तो खाद्यान्न फसल के अंदर अपन को ध्यान देना है, सबसे पहले एक पॉइंट स्टार लगाइए, प्रोटोएंड्री। नाम सुना होगा आपने, प्रोटोएंड्री। अब इनमें से खाद्यान्न फसलों के अंदर अपन को पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री का मतलब क्या होता है, कौन सी फसल से संबंधित है, और एक होता है प्रोटोगाइनी। पहले अपन पढ़ते हैं प्रोटोएंड्री के बारे में। देखो प्रोटोएंड्री होता क्या है, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोटोएंड्री के बारे में। तो प्रोटोएंड्री के बारे में देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यह होना चाहिए कि प्रोटोएंड्री क्या होता है, मादा नर पुष्प का, नर पुष्प का पहले आना या परिपक्व होना। तथा मादा पुष्प का, मादा पुष्प का बाद में आना, ये प्रोटोएंड्री का एग्जांपल है, ये भी इसकी डेफिनेशन है। अपन बात करते हैं सर ऐसा उदाहरण किसका है, तो अपन को याद रखना एग्जांपल पूछे किस कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए मक्का। मक्का के अंदर है, सबसे पहले बात करेंगे अपने, इधर देखिए इसको थोड़ा डायग्राम को मैं इधर ले लेता हूं। देखिए सबसे पहले देखिए ये मक्का है, मक्का के अंदर आपने देखा होगा इस टाइप से नॉन ब्रांचेड प्लांट होता है, ये पत्तियां निकली होती है इस टाइप से, और ऊपर ही ऊपर है इस टाइप से एक टेसल निकला होता है, ये तो कहलाता है क्या बेटा, टेसल। क्या कहलाता है, टेसल। और टेसल है जो होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, तो आपने याद रखना टेसल को क्या कहते हैं, तो नर पुष्प कहते हैं। टेसल को क्या कहते हैं, नर पुष्प। और सबसे पहले यही बनता है, और उसके बाद में आप बताइए यहाँ पे भुट्टा निकला, ये भुट्टा है, और इस जो पार्ट होती है इसको अपन बोलते हैं मादा पुष्प। जब मादा पुष्प होती है तो मादा पुष्प को क्या कहते हैं, सिल्क। ये भी अपन को याद रहना। अब मादा पुष्प को सिल्क है और नर पुष्प को टेसल, और इसको हटाने की क्रिया को डीटेसलिंग, और नर पुष्प को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, इमास्कुलेशन भी कहते हैं। अपन जब मक्का पढ़ेंगे उस टाइम पे अपन बात भी करेंगे, अपन ये बता सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये लिख लीजिए, इसका डायग्राम भी आप बना सकते हो। अब एक और पॉइंट आता है, देखिए अलग से एक तो ये स्टार लगाओ यहाँ पे, प्रोटोगाइनी। अब प्रोटोगाइनी इसके विपरीत होता है बेटा, विपरीत का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि मादा का पहले परिपक्व होना और नर का बाद में परिपक्व होना। तो इसमें अपन लिखेंगे मादा पुष्प का, मादा पुष्प का पहले परिपक्व, अपन बोल सकते हैं मादा पुष्प का पहले परिपक्व या परिपक्वन, तथा नर पुष्प का बाद में, नर पुष्प का बाद में। अब एग्जाम्पल अपन को याद रखना है, इस प्रोटोगाइनी का जो एग्जाम्पल है वो है बाजरा, याद रख लेना। अब ये आपको सारी चीजें याद रहनी चाहिए। अब एक और चीज अपन को पता है, जो मक्का होती है, यहां लिख देता हूं, मक्का को जीनिया भी कहा जाता है, जीनिया। जीनिया का संबंध रखे, देखो एक होता है मेटोजीनिया, जो मेटाजीनिया है वो खजूर से रिलेटेड होता है, और जीनिया से अपन को रिलेटेड करना है मक्का से, याद रखना ये पॉइंट भी। अपने पूरी पूरी छापी है इसको, लिख नोट करिए इसको।
अब आगे देखते हैं बेटा, लिख लिया हो तो आपने एक पॉइंट और लिख लिया लास्ट, फिर इसके बाद में अपना आगे बात करेंगे पूरी। देखिए अपन बात करें सभी, आपने लिखना सभी खाद्यान्न, आपने लिखना खाद्यान्न फसलों में, ऐसे लिखो खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसलों में उर्वरक, याद रखिए खाद्यान्न फसलों में उर्वरक है, लिखो खाद्यान्न फसलों में उर्वरक है प्रबंधन, खाद्यान्न फसलों में फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, उर्वरक है प्रबंधन। लिखिए ऑक्सीकरण है अपचयन जोन में, लिखिए उर्वरक को सभी खाद्यान्न फसलों में उर्वरक प्रबंधन को ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण है जोन में दिया जाता है, दिया जाता है, ये आपको याद रखना। धान के अंदर बात करेंगे, धान वाले टॉपिक के बारे में वो बात में बताएंगे, धान वाले ये लिखिए। अब बात करेंगे सबसे पहले, देखिए सबसे पहले लिखिए सर, ये खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी आती है तो अपन बात कर लेते हैं खाद्यान्न फसलें। अब खाद्यान्न फसलें आती कौन कौन सी हैं, तो खाद्यान्न फसलों को अपने दो भागों के अंदर बांट देते हैं सीजन के अनुसार या जलवायु के अनुसार। तो पहले पहले तो पढ़ेंगे अपने खरीफ, खरीफ की खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें। अब खरीफ की खाद्यान्न फसलों के अंदर अपन देखिए कौन कौन सी फसलें आती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे, अपन को यहां पे याद रखना खरीफ के अंदर जो खाद्यान्न फसलें आती है उसके लिए जलवायु कैसी चाहिए। तो जलवायु लिखिए गर्म एवं शुष्क जलवायु, या नम भी लिख देते हैं कई जगह, गर्म या शुष्क या गर्म एवं नम जलवायु, नम सही रहेगी। ये लो, अब याद रखिए कि इस जो पौधे होते हैं इस टाइम के जो खाद्यान्न फसलें के अंदर आती है तो वो होते हैं कौन से, शॉर्ट डे प्लांट। कौन से होते हैं बेटा, शॉर्ट डे प्लांट, इसको आप बोल सकते हो शॉर्ट डे प्लांट, SDP पादप या लघु दिवसीय पादप भी कह सकते हैं। कौन से बोलेंगे बेटा, लघु दिवसीय पादप, कौन सा बोलेंगे, लघु दिवसीय पादप। देखिए ये अपन ने पढ़ लिए, ये दो चीजें अपन को एक जैसी लगती है जिसलिए मैंने लिखवाया। आपको इसके बाद में अपन को याद रखना जो यहाँ पे फसलें कौन कौन सी आती है, तो पहले से पहले तो आपको याद रखना है मक्का, कौन सी आएगी बेटा मक्का, मक्का के बाद में आएगा ज्वार, ज्वार के बाद में लिखिए तीसरा नंबर पे बाजरा, बाजरा, और चौथे नंबर पे आपको मैं बता देता हूं वो आएगा कौन, धान। देखिए अब आपको मैं बता देता हूं ये तीनों के तीनों के अंदर आपके खास पॉइंट एक ध्यान रखने योग्य हैं, ये C4 पादप है, कौन से है बेटा, C4 पादप, यहां पे C4 पादप है एक तो, और दूसरी बात अपन को याद रखना पर प्रागति फसल है, कैसी फसल है, पर प्रागति फसल है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, कैसी फसल है बेटा, पर प्रागति फसल है, या अपन बोल सकते हैं क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। ये चीजें मेरे को एक जैसे लग रही थी, मैंने आपको लिखवाई, और ये C4 पादप होता है। आपको एक चीज और याद रखना, जो धान होता है वो C3 पादप है, कौन सा पादप है बेटा, C3 पादप है, और तीसरी बात करें तो स्वपरागण फसल यानी सेल्फ पोलिनेटेड। अब ये चीज के अंदर अपन को देखो शॉर्ट डे प्लांट समझ में आ गया, ये अपन को चार फसलें खाने योग्य हैं, ये सारी की सारी सबसे पहला पॉइंट। अब आगे बात करते हैं,
अब देखो एक चीज और बता देता हूं, इनके बाद में बताएंगे वो सब, आगे देखते हैं। अब आती है रबी की खाद्यान्न फसलें, रबी की खाद्यान्न फसलें, रबी की खाद्यान्न फसलें। अब रबी की खाद्यान्न फसल के अंदर अपन को एक तो याद रखना पॉइंट क्या, जलवायु कैसी चाहिए। तो जलवायु चाहिए होगी ठंडी एवं नम, ठंडी और नम जलवायु चाहिए, ठंडी और नम जलवायु का पौधा होता है। दूसरी बात करें, अपन सेकेंडरी बात करते हैं, दूसरी क्या लिखना है कि ठंडी और नम जलवायु, और ये पादप होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, एलडीपी पादप, या आप इसको बोल सकते हैं लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट इसको बोलेंगे, दीर्घ दिवसीय पादप, दीर्घ दिवसीय पादप, ये भी याद रखना। अब बात यहां तक समझ में आई। अब सर फसलें कौन कौन सी आते हैं, तो फसलों के अंदर बता देता हूं बेटा, फसलों के अंदर अपन को ध्यान देना है, एक तो आएगा गेहूं और दूसरा आएगा कौन, जो अपन को याद रखना है, ये जो फसलें हैं वो कौन सी हैं, ये C3 पादप है, कौन सी है, C3 पौधा या C4, याद रखना C3 है, C4 के अंदर पत्ती चौड़ी होती है, C3 के अंदर पत्ती सकड़ी होती है, ये भी याद रख सकते हो। दूसरी बात अपन को याद रखना है, कैसी फसल है, स्वपरागण, यानी खुद के द्वारा परागण होता है, सेल्फ पोलिनेटेड, ये भी याद होनी चाहिए। अपने ने ये बात की इसके बारे में इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं आगे, अब यहां पे एक चीज बता देता हूं आपको जो बीच में छूट गया था, प्रथम प्रथम मानव निर्मित, प्रथम मानव निर्मित खाद्यान्न फसल, प्रथम मानव निर्मित खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो लिखना बेटा ट्री टी, ट्री टी केल। अब ट्री टी केल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको, देखो ट्री टी केल है वो क्रॉस किसके बीच में करवाया, तो आपने याद रखना, ऐसे याद रखना TGR से आपको पूरा पूरा याद रहेगा, टी से ट्रिटिकल, जी से आ जाएगा गेहूं, गेहूं और राई का बीच में क्रॉस था, और जब जाके कौन आया, तो आपको याद रखना गेहूं और राई के बीच क्रॉस, यहां लिख देता हूं क्रॉस की, क्रॉस। अब क्रॉस कराया तो किस किस के बीच में, गेहूं और राई के बीच में, इन दोनों के बीच क्रॉस हुआ, और कब हुआ ये 1889 के अंदर, और कहां पे करवाया क्रॉस, जापान में, और क्रॉस कराने वाला कौन था, रिंपू था, रिंपू वैज्ञानिक, ये भी आपको याद रहना। तो ये अपन ने पढ़ी है सारी जानकारी, अब बात करते हैं आगे। देखो अब अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा खाद्यान्न फसलों के अन्य नाम। खाद्यान्न फसलों के अन्य नाम, हम नाम किस किस से जानते हैं, तो अपने पता ही है, चलो ये अपन वहां पे ही पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, इसको अपने टॉपिक के साथ ही क्लियर कर देंगे जैसे फसलें पढ़ाएंगे, तो आज के लिए इतना ही काफी है, अपने कल पढ़ेंगे गेहूं की फसल, स्टार्ट करेंगे गेहूं के बारे में, गेहूं एक रबी की फसल है और भारत विश्व वर्ष के अंदर सबसे ज्यादा खाई जाने वाली, ऐसी हम सबसे ज्यादा चावल भारत के अंदर भी पूछे तो सबसे ज्यादा चावल, तो इसी के साथ एक क्लास समाप्त होती है, आगे मिलते हैं।